आज तक मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक 5 मंजिला होटल की इमारत को उड़ा दिया गया, वो भी डायनामाइट से। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक होटल निलंबित भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता का था। रिपोर्ट के मुताबिक मिश्री चंद गुप्ता पर जगदीश यादव की हत्या के आरोप लगे थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। कोरेगांव इलाके के रहने वाले जगदीश की दिसंबर महीने में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जगदीश के परिवार ने उनकी हत्या का आरोप मिश्री गुप्ता पर लगाया था। मध्य प्रदेश प्रशासन ने होटल को ढाने के लिए इंदौर से एक स्पेशल टीम बुलाई थी। टीम ने मंगलवार 3 जनवरी को 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद होटल को ढा दिया। कुल 60 किलो डायनामाइट की मदद से 2 धमाकों के बाद होटल की बिल्डिंग चंद सेकंड में धराशायी हो गई और मलबे में तब्दील हो गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक होटल को गिराने के लिए तकरीबन 8 किलो गन पाउडर और 85 जिलेटिन की रॉड का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सागर जिले के जिला अधिकारी दीपक आर्या और DIG तरुण नायक इस दौरान वहां मौजूद थे। निलंबित भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता के होटल का नाम जयराम पैलेस था। होटल सागर जिले के मकरोनिया चौराहे के पास स्थित था। सागर जिला प्रशासन के अनुसार उस जगह 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति ली गई थी, लेकिन 5 मंजिला होटल बनाकर चलाया जा रहा था। जिलाधिकारी दीपक आर्या ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए इलाके के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। होटल जिस इलाके में है वहां रहने वाले लोगों को भी सूचित कर दिया गया था। होटल को गिराने में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ होटल की बिल्डिंग ही गिराई गई है। इस खबर के बाद यूजर्स ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। प्रतीक नाम के एक यूजर ने लिखा, लेकिन अभी क्यों, जब उनको पहले से मालूम था कि गैर कानूनी है, एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया। संजय मुरारी नाम के एक यूजर ने पूछा, क्या विस्फोटक का उपयोग कर ढांचे को गिराने का कोई न्यायालय आदेश था, इसे लागू करने के लिए क्या सावधानियां बरती गईं। मोहन बिष्ट नाम के एक यूजर ने लिखा, वही होटल तब तक अवैध नहीं था जब तक मिश्री चंद गुप्ता को भाजपा पार्टी से निलंबित नहीं किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जगदीश यादव मर्डर केस में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमे से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मृतक जगदीश निर्दलीय पार्षद किरण यादव के भतीजे थे। किरण ने चुनाव में मिश्री चंद गुप्ता की पत्नी मीना को 83 वोटों से हराया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।